हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ऋतु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की। घुटनों का दर्द बहुत पेनफुल रहता है और आजकल तो कम उम्र में भी घुटनों का दर्द होने लगता है। ये आपको चलने फिरने में तो प्रॉब्लम देता ही है, अगर आपका वजन ज्यादा है या आपकी ओल्ड एज हो गई है या आप थोड़े से एज में ज्यादा हो गए हैं तो घुटनों का दर्द और भी ज्यादा तकलीफ देह हो जाता है। और जिन लोगों को घुटनों का दर्द होने लगता है वो वैसे भी चलना फिरना बंद कर देते हैं और बैठे बैठे उनका वजन भी बढ़ जाता है, मोटापा हो जाता है। और मोटापा तो बीमारियों का घर, और भी ज्यादा परेशानियां उनको घेर लेती है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कुछ आसान से घरेलू उपायों की मदद से घुटनों के दर्द में इस तकलीफ से छुटकारा पाया जा सकता है। आज मैं आपको कुछ आसान से उपाय बताऊंगी, दो उपाय, दो लेप बताऊंगी जो आप घुटनों पे अगर लगाएंगे तो 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको फर्क महसूस होगा। और ये बिल्कुल भी फर्क ऐसा नहीं होगा, टेम्परेरी नहीं होगा, आपको परमानेंटली घुटनों के दर्द से निजात मिल जाएगी। साथ ही 3 उपाय बताऊंगी जिसे आपको खाना है। बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं, आपके घर पे आराम से अवेलेबल होंगी। बस कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस चीज को कैसे खाने से वो क्या फायदा करती है या क्या नुकसान करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इन उपायों को ट्राई करके आपको कितना फायदा हुआ वो भी आप बाद में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आगे के लिए। अगर आपको इन कारणों से घुटनों का दर्द है, जैसे कि घुटनों की जो मांसपेशियां हैं उनमें खून का दौरा सही नहीं होता है, खिंचाव या तनाव होता है, किसी भी तरह की आपके मसल्स में चोट लग गई है या फिर ओल्ड एज, तो आपके लिए ये उपाय बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यूजफुल है। ये आपके घुटनों के दर्द की समस्या बहुत ही जल्द दूर कर देगा। तो चलिए बनाते हैं पहला लेप और फिर देखते हैं इसे कैसे लगाना। इसके लिए आपको 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। हल्दी तो आपको पता ही है हीलिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होती है, किसी भी चोट को ठीक करने के लिए हल्दी से अच्छा उपाय तो हो ही नहीं सकता। इसमें हमें डालना है 1 चम्मच शहद। अगर शहद नहीं है तो आप बूरा वाली चीनी, जो पिसी हुई चीनी होती है, वो आप ले सकते हो 1 चम्मच। अब इसमें तीसरी और मेन इम्पोर्टेंट चीज जो डालनी है वो है चूना, जो पान में लगाते हैं चूना व्हाइट कलर का, वो 1 चुटकी चूना आपको इसके अंदर डालना है। ये बहुत ही जरूरी है, इसके बिना लेप अधूरा है। अब आप इसको पेस्ट बना लीजिए। अगर ये पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हो। अच्छे से मिला के ये लाल रंग का गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अपने घुटनों पर इसे अच्छे से लगा देना है। पेस्ट को अच्छे से आप फैला दीजिए, उसके ऊपर एक छोटी कॉटन रखिए, किसी भी कपड़े से या बैंडेज से पट्टी बांध लीजिए, घुटनों को पूरी तरह से ढक दीजिए। रात भर आपको इसे रहने देना है, सुबह आप इसे धो सकते हो। धोने के लिए आपको हल्का गर्म पानी यूज करना है। इसके रोज इस्तेमाल करने से सूजन, खिंचाव, चोट आदि के कारण होने वाला घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय, 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर, जो अदरक का पाउडर होता है ना, जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर हमें 1 छोटा चम्मच लेना है। इसमें हम मिलाएंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें सरसों का तेल और सौंठ का पाउडर मिलाना है। इसका भी आप अच्छे से गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए, घुटनों पर मलिए। इसका प्रयोग आप दिन में या रात में कभी भी कर सकते हो। कुछ घंटों के बाद इसको धो लीजिए। ये प्रयोग करने से भी आपको घुटनों के दर्द में बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। अब है तीसरा उपाय, 4 से 5 बादाम, 5 से 6 साबुत काली मिर्ची, 10 मुनक्का, किशमिश की तरह होती है ना काले कलर की मुनक्का वो, और 6 से 7 अखरोट, ये सब आप ले लीजिए। इन सबको एक साथ मिलाकर गर्म दूध के साथ में खा लीजिए। रात को आपको इसे खाना है दूध के साथ। कुछ दिन ये रोज आप प्रयोग करेंगे ना, बहुत ही जल्द आपको घुटनों के दर्द में आराम मिल जाएगा। आप चाहें तो ये सारी चीजें मिलाकर रख सकते हो, पाउडर बना के रख सकते हो और फिर दूध के साथ खा सकते हो। आप अगर चाहें, आपको दर्द बहुत ज्यादा है, बहुत सालों से हो रहा है, तो आप लेप भी लगाइए और ये चीजें खाने में भी इस्तेमाल करिए, बहुत ही जल्द आपको फायदा मिलेगा। चौथा हमारा उपाय है खजूर। खजूर में विटामिन ए, बी, सी, आयरन और फॉस्फोरस होता है, बहुत ही रिच सोर्स है ये इनका। इसलिए खजूर घुटनों के दर्द के साथ साथ कोई भी अगर जोड़ों का दर्द आपको है वो सब दूर करता है। इसको कैसे हमें प्रयोग करना है, 1 कप पानी में 7 से 8 खजूर रात भर भिगोइए, सुबह खाली पेट ये खजूर खाइए और जिस पानी में खजूर भिगोए थे वो पानी भी पी लीजिए।
ऐसा करने से आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होती है और घुटनों के दर्द में बहुत लाभ मिलता है। अब है लास्ट उपाय, नारियल। नारियल भी घुटनों के दर्द में बहुत अच्छी औषधि है। रोजाना आपको सूखा नारियल खाना है। अगर सूखा नारियल आपके पास नहीं है तो आप नारियल का दूध पी सकते हैं। नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क आपको बहुत ही इजीली कैंड फॉर्म में मिलता है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आप ले सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कच्चे नारियल को पीस कर निचोड़ कर उसका दूध निकाल सकते हैं। घुटनों पर दिन में 2 बार आप नारियल के तेल की मालिश भी कीजिए, इससे भी घुटनों के दर्द में बहुत लाभ मिलता है। आशा है आपको इन आसान घरेलू उपायों की मदद से घुटनों के दर्द में छुटकारा जरूर मिलेगा और आपकी जिंदगी बेहतर हो सकेगी और लोग भी इसका लाभ उठा पाए, इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन को टैप कर दीजिए, जिससे कि हम मिल सके नई जानकारी के साथ नए वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।